स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है, तो ऊपर खड़े सभी मेंढकों चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से निकल नहीं सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लगातार वो उछलते रहे और प्रयास करते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम इसमें से नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढकों में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा और वो उछलता रहा। जितना वो उछल सकता था उतना वो उछलता रहा। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेंढक शायद उनकी बातें सुन ही नहीं पा रहा था और उछलता रहा। और काफी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेंढकों ने कहा, क्या तुमने हमारी बात सुनी नहीं थी? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि वो बहरा था, सुन नहीं सकता था, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रखिए। लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और अपनी सोच को सकारात्मक रखें। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही आप सफलता मिल सकती है।